दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ मेढक मंदिर। दोस्तों आपने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो देखा होगा, आपने 20 25 50 बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया है, बहुत यूट्यूबर्स बनाए हैं, लेकिन सच्चाई आज तक किसी ने नहीं बताया है। हर यूट्यूबर सिर्फ एक ही बात बताता है कि यहाँ पे मेढक की पूजा होती है, लेकिन ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। तो दोस्तों वहाँ की सच्चाई क्या है, तो आइए चलते हैं मेढक मंदिर में। मैं वीडियो बना लिया हूँ, बिल्कुल वीडियो तैयार है, तो आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं। दोस्तों हम आ गए अब मेढक मंदिर के मुख्य द्वार पे, यहीं से जो दोस्तों एंट्री मिलती है सबको, और श्रद्धालु जा भी रहे हैं अंदर, हमें भी जाना है इसी रास्ते से। और ये साइड में देखिए, जो भी दूर दराज से भक्त आते हैं यहीं गाड़ियां पार्क करके फिर अंदर जाते हैं दर्शन के लिए, और इधर भी गाड़ियां पार्क हैं, इधर आप देख सकते हैं ये, तो हमें भी जाना है, तो चलते हैं इसी रास्ते से अंदर और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों ये देखिए रहा मेढक मंदिर की एक छोटी सी झलक। दोस्तों बहुत ही सुंदर कार्य कराया गया है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, बहुत ही सुंदर कार्य कराया गया है राजा बक्स जी के द्वारा। तो यहाँ का इतिहास क्या है, ये कब बनवाया गया था और किसने बनवाया था और किसके कहने पे बनवाया गया, क्यों बनवाया गया, आज दोस्तों वीडियो में देखते हैं एक चाचा जी के द्वारा, वही हमें जानकारी दे रहे हैं और चलते हैं ऊपर। दोस्तों अब हम चल रहे हैं ऊपर और चाचा जी से कुछ जानकारी लेंगे। ये चल रहे हैं चाचा जी आगे आगे। तो चाचा जी पहले बताइए आपका नाम क्या है। मेरा नाम रंजीत कुमार। तो रंजीत चाचा जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चाचा जी ये बताइए कि ये मंदिर पुराना कितना है, कब बनवाया गया था ये? ये मंदिर आज से 350 साल पुराना है जी। 1670 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था जी, राजा बक्स सिंह ने बनवाया था। ये वैल की नगरी, जो वैल नगरी है जी, ये पीतल नगरी बोली जाती है, यहाँ बर्तन बनाने का काम होता है, काफ़ी बहुत पुराने समय से चल रहा है जी। तो यहाँ पर राजा बक्स सिंह की किला था, राजा बक्स सिंह की उस समय स्टेट में राज्य थी उनकी जी। तो यहाँ पर बहुत अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, कभी बारिश नहीं होती थी जी, पानी नहीं बरसता था। तो एक बार एक मेघालय से कपिला तांत्रिक चलकर राजा साहब के दरबार में उपस्थित हुआ जी। तो राजा साहब की भेंट हो गई, तो राजा साहब ने उससे पूछा कि हमारे राज्य में पानी क्यों नहीं बरसता है, यहाँ की जनता बहुत परेशान है, सब खेती और ये पेड़ पौधे सब सूखे पड़े हुए थे जी। तो उसने बताया था कि मेढक के ऊपर आप शिव जी का जो मंदिर बनाएं तब बारिश होगी जी। तो राजा साहब ने सोचा कि चलो हम मेढक के ऊपर हम शिव जी का मंदिर बनाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा अपने दिमाग में सोच कर ये सोचा कि यहाँ सूखा भी पड़ा हुआ है और काफ़ी बहुत बेरोजगारी भी फैली हुई है, आदमी बहुत गरीब परेशान रहता है, तो ऐसा मेढक के ऊपर विशाल और भव्य मंदिर बनाया जाए जिससे काफ़ी दिन तक लोगों को काम भी मिल जाएगा यहाँ पर। इसलिए राजा साहब ने इतना ये विशाल मंदिर, चार इस मंदिर की मीनारें हैं जी, और एक मीनार शंकर जी की है, इसलिए ऐसा ये भव्य मंदिर बनाया गया है और ये मेढक की पीठ पर उन्होंने निर्माण किया जी। और काफ़ी लोगों को यहाँ पर काम और काम धाम सब कुछ मिला, और वो मतलब काफ़ी मतलब जनता यहाँ की जो परेशान थी जी, वो काम करने लगी, तो उसको रोजी रोटी चलने लगी जी, और सब बड़े प्रसन्न पूर्वक काम करने लगे। जब मेढक के ऊपर शिव जी का मंदिर बन गया जी, तब बहुत भयंकर काफ़ी बारिश यहाँ हुई थी, सब खेती बाड़ी जितने पेड़ पौधे थे सब हरियाली से लहरा उठे थे। यानी कि मंदिर बनने के बाद पूरे राज्य में खुशहाली का माहौल बन गया, बारिश नहीं हो रही थी तो मंदिर बनवाने की वजह से बारिश हुई, शिव शंकर जी की कृपा हुई। और हमारे इस मंदिर के ऊपर जो ये शिवाला देख रहे हैं जो शिव जी का है जी जी, इसके ऊपर ये जो सोने का छत्र लगा हुआ है जी, ये जिधर भी सूर्य घूमता था ये उधर ही घूमता है जी।
आज भी इसका प्रतीक है, इसलिए क्योंकि इसकी 10-12 किलोमीटर की रेंज में जी कोई दैविक आपदा नहीं हो सकती है। जी जी, तो ये तांत्रिक मंदिर बनने में चाचा जी क्या टाइम लगा था? इसको 65 साल लग गए थे बनने में। इसको बनने में 65 साल लग गए थे। अच्छा 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 अच्छा। तो चाचा जी, एक बार पिछली बार जब मैं आया था तो आप बताए थे कि कोई कैंसर पीड़िता महिलाएं थी यहाँ पे, उन्हें जो है बहुत लाभ हुआ था, उनका क्या कहानी था? देखिए, एक महिला यहाँ रहती थी जी, तो वो बहुत गरीब थी, तो उसके एक बार पेट में कैंसर हो गया था जी जी। तो उसकी वो इलाज काफ़ी दिनों से कराई, लेकिन उसकी इलाज से उसका कैंसर नहीं ठीक हुआ जी, और उसके वो शरीर में कैंसर सारा पककर जी और फटने वाला था कैंसर जी, फूटने वाला। तब डॉक्टर ने उसको रिफ़र कर दिया, अस्पताल से हटा दिया था जी, कि कहा था कि अब यहाँ किसकी कोई इलाज नहीं है जी, और आप इतने गरीब हैं, आप ऐसी इलाज कर नहीं पाएंगे जी। तो वो बेचारी चलकर वहाँ हॉस्पिटल से आ गई थी जी। तो उसने सोचा कि मैंने जीवन में कोई भी पूजा प्रश्न नहीं किया है, कोई भी देवताओं का सहारा नहीं लिया है जी। तो वो अपने सच्चे और श्रद्धा मन से वो इस मेढक मंदिर में आई जी, और ये मंदिर जो है, ये मेढक मंदिर, ये तांत्रिक मंदिर है, ये तंत्र विद्या पर बना हुआ है जी, ये पूर्ण रूप से रिद्धि सिद्धि का मंदिर है। यहाँ पर कोई भी इनकी भोलेनाथ की शरण में आकर अगर रोकर इनके चरणों में गिरकर अगर इनसे जो कुछ कह देगा जी, उसका सारा कष्ट परेशानियाँ दूर हो जाती। तो वो आकर महिला इस शिव जी के मंदिर में बैठ कर मंदिर में रोने लगी और पूजा करने लगी। उसके छोटे छोटे बच्चे बेचारे थे, गरीब थे, तो वो कहीं उसने सोचा कि हम मर जाएंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। भोलेनाथ की कृपा से उसको 2 महीना हो गए यहाँ पूजा करते करते, 2 महीना में उसके पेट का सारा कैंसर गायब हो गया। फिर उसने जाकर जब डॉक्टर से चेकअप कराया तो उसके पेट में सारा कैंसर गायब हो चुका था जी, और वो भोलेनाथ की शरण में आकर उसका कैंसर ठीक होने के पश्चात वो भोलेनाथ की पुजारन बन गई थी जी। जी, तो चाचा जी, ये जो राजा बक्स सिंह जो जी जो थे, क्या उनकी वंशे हैं अभी? हाँ, अभी वंशे हैं उसकी। तो क्या उन लोगों के नाम आप बता सकते हैं मतलब? हाँ, राजा बक्स सिंह के बाद राजा विराटदत्त, विराटदत्त के बाद राजा जगदीश नारायण दत्त, जगदीश नारायण दत्त के बाद राजा विष्णु नारायण दत्त सिंह हैं। विष्णु नारायण दत्त जी अभी हैं, उन्हीं की रेख देख में, उन्हीं की रेख देख में, ये उन्हीं का मंदिर है, उन्हीं की देख रेख में चलता है जी। वो काफ़ी इसकी मतलब देख रेख सुरक्षित ढंग से उन्होंने रख रखाव इस मंदिर में किया हुआ है जी, और उनकी राज्य में सारी प्रजा खुशी पूर्वक रहती है, कोई परेशान या कोई दुखी नहीं रहती है। वो आज हमारे इस वेल के बहुत प्रतापी महान राजा हुए हैं जी। हाँ, तो चाचा जी, ये इस कुएं के बारे में बताइए, इस कुएं के बारे में जानकारी नहीं है, ये क्या है? देखिए, ये कुआँ जो है, इस कुएँ के लिंग नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ है जी जी, और ये इसका जो जल है जी, ये इतनी काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, फिर भी इसका जो वाटर है, इसका जल है जी, ये जमीन के बराबर पाया जाता है जी जी जी। वो इसका ये है, और यहीं से कुआं से निकाल करके यहाँ पे जो है पानी, कुएं से निकाल कर जो शिव जी के पे जल चढ़ाया जाता है, वो इसी कुएं का जल चढ़ाया जाता है। ये बहुत जल स्वच्छ, बहुत पवित्र है, ये नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ है लिंग इसका जी जी। एक बार राजा साहब ने इसमें एक लोटा डाल दिया था जी, तो उस पर चिट्ठी लिखकर डाला था, तो वो लोटा नर्मदा नदी में निकला था जी। यहाँ का इतिहास बहुत चाचा जी को मालूम है, तो आइए अंदर चलते हैं। और इधर आइए, ये जो गेट के ऊपर ये जो चौपाई लिखी है जी जी, लिखी है जो कि जो कोई इनकी शरणागत आवे ताकि सब कष्ट मिट जाए जी, ये जी। ऐसा भव्य विशाल और तांत्रिक सच्चा दरबार है जी, जो कोई भी इनकी शरण में आ जाता है जी, उसके पास चाहे जितने भी कष्ट, महान कष्ट, चाहे जिस प्रकार से संकट से गुजर रहा हो जी, उसके जी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं जी। अच्छा जी, जो शिवलिंग है, शिवलिंग के बारे में जो है बहुत इतिहास है, इसके बारे में बताया जरा कुछ हमें। हाँ, शिवलिंग के बारे में हम ये बताते हैं जी कि ये जो शिवलिंग यहाँ पर मंदिर में स्थापित किया गया है जी, इसी शिवलिंग की बाणासुर पूजा करता था जी, वो शंकर जी का बहुत परम भक्त था जी, और वो रोज मिट्टी की मूर्ति बना बना के नर्मदा नदी में डाल देता था जी, और वो मूर्ति उसमें पत्थर की हो जाती थी जी। तब राजा साहब ने कपिला तांत्रिक के साथ वहाँ जाकर 1 महीना नदी के तट के किनारे उन्होंने तपस्या किया जी। तब कुछ वहाँ के पुरोहितों ने बताया, आदमियों ने, कि अगर आप बाणासुर की मूर्ति ले जाना चाहते हैं पूजी, तो इस नदी में पड़ी हुई है, वो आप ले जाए। तो हमारे यहाँ के जो वेल के राजा साहब, राजा बक्स सिंह ने सोचा, उन्होंने कहा कि हम वही मूर्ति ले जाएंगे जी। तब उन्होंने 1 महीना उस नदी के किनारे तपस्या करने के पश्चात
जब उसमें नर्मदा नदी में जब छलांग लगाई थी तो ये शिवलिंग की मूर्ति जो थी ये उठकर उनके हाथ में ही आ गई थी। तो ये राजा बक्स जी को जो है उस नर्मदा नदी में मिली थी, वही यहाँ पे स्थापित की गई। और इसको स्थापित करने के लिए उन्होंने सोचा तो तांत्रिक से पूछा था कि इसका अर्घा कितना होना चाहिए, तो उसने बताया था कि 8 मने यानी 1 कुंटल 8 मन होता है, 1 कुंटल 60 किलो, 1 कुंटल का 60 किलो का अर्घा जो था इसको नीचे से मंदिर पर स्थापित करने के लिए कोई मजदूर इसको उठा तक नहीं पाए थे। तो राजा बक्स सिंह ने कहा था कि इसको हमारे सर पर लाद दीजिए। तो राजा बक्स सिंह अपने सर पर इसको 10-15 आदमियों ने मिलकर उनके सर पर लाद दिया था और इसको रस्से से बांधकर लोग रस्सा इसको पकड़े रहते थे और राजा बक्स सिंह ने इसको ज़मीन से उठाकर इस मंदिर में स्थापित किया। जी तो राजा जी अकेले उठा के लाए थे। तो इन नंदी जी के बारे में चाचा जी बताइए, नंदी जी हर जगह बैठे रहते हैं लेकिन यहाँ पर नंदी जी खड़े हैं, इनका क्या राज है? यहाँ पर नंदी इसलिए खड़े हुए कि ये मंदिर जो है अवतारिक मंदिर है, ये तंत्र विद्या से आधारित किया गया है जी। और किसी भी मंदिर में ऐसा तांत्रिक आपको ढूंढे नहीं मिलेगा कहीं पर जी, जो नंदी जी को स्वयं खड़ा कर दे जी। खड़ा होने का तात्पर्य ये है क्योंकि ये बिल्कुल नंदी जी खड़े हुए बिल्कुल ऑलरेडी तैयार है कि यहाँ शंकर जी की पूजा करने के पश्चात आप इनकी पूजा करोगे और जो कुछ इनके आप कहना सुनना या कुछ मांगना है या कुछ कहना है तो आप नंदी जी के कान में कहेंगे, वो आपका कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा, आपका संदेशा नंदी जी स्वयं शंकर जी के पास पहुँचा देंगे जी। यहाँ का मान्यता यही है कि नंदी जी के कान में अगर सच्चे दिल से कहा जाए तो पूर्ण रूप से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये चाचा जी हमें जानकारी दे रहे हैं जो इस मंदिर के पुजारी हैं और पिछली बार भी यही मदद किए थे, अब की बार भी यही चाचा जी हमें मदद कर रहे हैं। तो पूरे मंदिर की रेख देख इन्हीं के अंडर है। तो अभी शाम हो रहा है, चाचा जी बोल रहे हैं थोड़ा जल्दी कीजिए और आइए आगे का भी कुछ देखते हैं कि जो आप ये शिवलिंग देख रहे हैं जी, इस पर अभी बाणासुर का ओम बना हुआ है जी। ये पत्थर से न मिटता है जी, न घटता न बढ़ता है जी, न इसको किसी ने बनाया है जी। ये वाणासुर इस मूर्ति पे ओम बना बना के पूजा करता था, वो नदी में डाल देता था तो ये पत्थर की हो जाती है। और इस मूर्ति की इस शिवलिंग में ये खूबियाँ हैं, ये दिन में 3 बार कलर चेंज कर देती है, सुबह देखोगे तो दूसरे रूप में, दोपहर को जाओगे तो दूसरे रूप में, शाम को देखोगे तो दूसरे रूप में दिखाएगी, ये दिन में 3 बार कलर चेंज कर देती है। तो दोस्तों आप आए यहाँ पे ओयल तो दर्शन करके ज़रूर जाएं क्योंकि ये शिवलिंग का एक और चमत्कार है आज के समय में कि 1 दिन में 3 बार रंग चेंज करती है ये। हाँ तो दोस्तों ये रहा मेढक मंदिर का इतिहास। तो दोस्तों जैसे सभी यूट्यूबर बताते हैं कि मेढक मंदिर में मेढक की पूजा होती है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, बल्कि सत्यता ये है कि कपिला तांत्रिक के कहने पे राजा बक्स ने मेढक के ऊपर शिव जी की मंदिर बनवाई थी। वो कपिला तांत्रिक के कहने पे उन्होंने कहा था कि अगर मेढक के ऊपर अगर मंदिर बनाया जाए तो राज्य में खुशहाली आ जाएगी और जो है प्रजा मतलब खुशी खुशी रहेगी। तो इसका यही है कि यहाँ मेढक की पूजा नहीं होती है बल्कि मेढक के ऊपर शिव जी की मंदिर बनाया गया है तो शिव जी की पूजा होती है ना कि मेढक की। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।